स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में काफी सारे टीचर्स को पता भी है और कई सारे टीचर्स के मन में सवाल भी है कि CBSE ने गूगल के साथ मिलकर जो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा है टेक्नोलॉजी फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। कई सारे टीचर्स ने उस प्रोग्राम को अटेंड कर लिया है, उसके सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर लिया है। मैंने भी मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है कि उस सर्टिफिकेट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने उस वीडियो को देख के सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर लिया है, बट कई सारे टीचर्स को अभी भी उस ट्रेनिंग में कई सारे इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि जैसे CBSE ने पहले उस ट्रेनिंग की जो लास्ट डेट थी वो 3 अप्रैल रखी थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 12 अप्रैल कर दिया था, और अभी फिर से उस ट्रेनिंग की फाइल सबमिशंस और जो गूगल फॉर्म सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड होकर 30 अप्रैल तक हो चुकी है। तो आज ये वीडियो मैं उन टीचर्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी तक इस वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर पाए हैं, इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाए हैं, या फिर वो लेसन प्लान को सबमिट नहीं कर पाए हैं, लेसन प्लान को क्रिएट नहीं कर पाए हैं, या उनको जो गूगल फॉर्म के जो क्वेश्चन हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनके सही आंसर क्या होंगे। क्योंकि कई सारे वीडियोस, कई सारे वर्कशॉप की ट्रेनिंग के वीडियो हैं जिसको देख पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कई सारे टीचर्स के लिए बिकॉज ऑफ द इंटरनेट और कोविड की सिचुएशन में। उन टीचर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको लेसन प्लान से लेकर गूगल फॉर्म के क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, सारे जो टूल्स बताए गए हैं वो क्या रहते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जो कि CBSE की तरफ से आया था, जो कि 10/3/2021 को आया था मार्च में, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 3 अप्रैल थी। और ये सारे वो लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोज़ के लिंक हैं जिसके थ्रू आप इस ट्रेनिंग में पार्ट ले सकते हैं। 19 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख और 30 तारीख। 30 तारीख को लास्ट इनका वर्कशॉप था, ठीक है। इन सारे वर्कशॉप्स में यही बताया गया है कि ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग कैसे करी जाती है, ठीक है, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग को आप कैसे अचीव कर सकते हैं। और गूगल के साथ मिलकर इन्होंने इस चीज को इसलिए कराया क्योंकि कई सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं गूगल की मदद से, ठीक है, गूगल के अकाउंट का यूज करके। तो इसलिए गूगल के साथ कोलैबोरेट करा हुआ है। अब इन वीडियोस में सबसे पहले तो ये बताया गया है कि ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग क्या होती है। तो ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग को समझाने के लिए जो इन्होंने बताया है वो है SAMR मॉडल, ठीक है। SAMR मॉडल को इन्होंने इन सारे वीडियोस के अंदर समझाया हुआ है जो वीडियोस इन लिंक्स के अंदर है, ठीक है। SAMR मॉडल में इन्होंने बेसिकली ये समझाया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन और रीडेफिनेशन। सो जैसे आप आज के समय में अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, ठीक है, सो आप किसी भी एक नॉर्मल टॉपिक को लेकर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, बट हम उस टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते हैं। और आज के सिनेरियो में जब हम वर्चुअल लर्निंग की बात कर रहे हैं तो हमें उन सारे चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए उनका यूज़ भी हमें समझाना है कि रियल लाइफ में कैसे होता है, ठीक है। और हमें, क्योंकि हम वर्चुअली सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी को कैसे उसके अंदर इंटीग्रेट करना है हर एक सब्जेक्ट के साथ में, चाहे आप हिंदी लें, मैथ्स लें, इंग्लिश लें या कोई भी सब्जेक्ट लें, उसमें आप टेक्नोलॉजी को कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आर्ट इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी को कैसे इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें इसके अंदर समझाई गई हैं। तो टेक्नोलॉजी फॉर ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग मतलब ऐसी लर्निंग जो कि रियल लाइफ से और कई सारे टेक्नोलॉजी टूल्स को मिलाकर आपने किसी को कुछ चीज़ें समझाई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन एंड रीडेफिनेशन। सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज करिए आपकी जो क्लास है वो सोशल साइंस की क्लास है, ठीक है। सो आप सोशल साइंस की क्लास में पेपर मैप की जगह गूगल अर्थ का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन। फिर ऑगमेंटेशन के अंदर आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि बच्चे उस गूगल अर्थ का यूज़ करके दो जगह, दो प्लेसेस की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। गूगल अर्थ इतना कैपेबल है कि वो सारी चीज़ों को आपको मदद करेगा। फिर मॉडिफिकेशन में यहाँ पे बताया हुआ है, द क्लास वुड बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज़ गूगल अर्थ लेयर्स टू रिसर्च लोकेशंस ऑन अ मैप। तो आप गूगल अर्थ का यूज़ करके मैप के ऊपर छोटी छोटी जगहों को, छोटे छोटे लोकेशंस को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर रीडेफिनेशन में यहाँ पे बताया गया, अ टीचर हैज स्टूडेंट यूज़ गूगल अर्थ टू क्रिएट नरेटेड गाइडेड टूर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल मैप्स के ऊपर आपको गाइड मिलती है जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको गाइडेड पूरा एक रास्ता बताया जाता है या आपको लोकेशन तक पहुँचाया जाता है, वैसे ही आप यहाँ पे भी गाइडेड टूर्स देख सकते हैं गूगल अर्थ पे, ठीक है, जो कि आपको सारी चीज़ें बताएंगे उस जगह के बारे में, उस प्लेस के बारे में। सो ये तरीका है कि आप अपनी टीचिंग को कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे उसके अंदर ब्लेंड कर सकते हैं। फिर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे सपोज करिए कि आप
जब कुछ चीज लिखते हैं तो अभी आप क्या करते हैं, क्लास के अंदर पेन और पेपर का यूज करते हैं। अब क्योंकि वर्चुअल टाइम है तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज करके स्टूडेंट से उनका डेटा जो है वो सबमिट करवाना है, तो आप पेन और पेपर की जगह उनसे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से क्या होता है कि बच्चा पहले वर्ड फाइल को बनाएगा, फिर वर्ड फाइल आपको अपलोड करेगा। इससे अच्छा आप उसको गूगल क्लासरूम के बारे में बता सकते हैं। गूगल क्लासरूम में आप भी जानते हैं कि वहां पर वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट, सारे तरह के डॉक्यूमेंट बन सकते हैं। तो एक स्टूडेंट या आपका कोई भी एक स्टूडेंट उस गूगल डॉक्यूमेंट को यूज करेगा, सो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन। फिर ऑगमेंटेशन की बात करते हैं, सो वहां पे वो आपको वर्क बना के सबमिट करेगा। ओके, इट विल शेयर द वर्क विथ यू, तो वो हो गया ऑगमेंटेशन। देन मॉडिफिकेशन, आप उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे और उसके अंदर जो जो चेंजेस हैं आप वो स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं, तो वो हो गया मॉडिफिकेशन। आपने वहां पे कमेंट के थ्रू बता दिया कि ये चीजें चेंज होंगी, फिर अगेन आपने अपने स्टूडेंट को वर्क वापस करा और उसने उसके अंदर उस चेंजेस को करके आपको वापस से सबमिट करा। सो दैट इज द रीडेफिनेशन। सो इस तरह से आप अपनी टीचिंग के अंदर कैसे टूल्स को यूज कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, ये इस वर्कशॉप और इस ट्रेनिंग का मेन मोटिव है, ठीक है। सो उसके बाद हम बात करते हैं इस वर्कशॉप में आपको कैसे कैसे वर्क करना है। इस तरह की गूगल क्लासरूम में आपको ऐड करा जाएगा जब आपने फॉर्म फिलअप करा होगा। ये जो फॉर्म इस लिंक में दिया हुआ है पार्टिसिपेशन करने के लिए, ठीक है। इस क्लासरूम के अंदर आपको ये क्लास वर्क का टैब दिखाई देगा। इस वर्क टैब के अंदर आपको लेसन प्लान और कॉन्सेप्ट मिलेगा। इस लेसन प्लान के अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट असाइन करा गया होगा पीडीएफ और गूगल डॉक्स के अंदर। सो आप इसको जब गूगल डॉक्स वाले पार्ट को ओपन कर लीजिए या तो आप पीडीएफ पार्ट को ओपन कर लीजिए। इसमें 5 E's के बारे में बात करा गया है। 5 E's मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ पीडीएफ से, ठीक है। सो ये जो 5 E's हैं इसके बारे में वर्कशॉप में समझाया गया है, एंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एलाबरेशन, इवेल्यूशन। सो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे के सारे पॉइंट इस लेसन प्लान के अंदर भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस लेसन प्लान में आप जब देख सकते हैं, सो पहले आपको सारी डिटेल लिखनी है, ठीक है। आपका नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एरिया, ग्रेड, लेसन टॉपिक और टाइटल, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन कि कितने दिन में आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट होगा, फिर लेसन का गोल क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, करिकुलम एड्रेस, टेक्नोलॉजी एड्रेस, टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, अदर मटेरियल्स, रिसोर्सेज, स्टूडेंट इंगेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं हर एक पॉइंट को लेके। सो इन सब चीज़ों का आपको फिलअप करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जो कि आपका लेसन प्लान कहलाएगा, ठीक है। सो वो लेसन प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंप्यूटर और सोशल साइंस के लिए वो लेसन प्लान बनाया हुआ है, ठीक है। सो जैसा आप ये देख सकते हैं मैंने ये लेसन प्लान पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उसको इसके बाद में मैंने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट एरिया लिख दिया है कंप्यूटर, फिर मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया है, ठीक है, लेवल और क्लास यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर मैंने लेसन का टाइटल और टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। फिर यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन मेंशन कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इस लेसन के जो गोल्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं। करिकुलम जो एड्रेस करा गया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर टेक्नोलॉजी एड्रेस में जो भी टेक्नोलॉजी मुझे यूज़ करनी है या मैंने क्या बताया है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। फिर यहाँ पे मेंशन करा है टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, तो जितने टूल्स इस वर्कशॉप में, इस ट्रेनिंग में समझाए गए उन सारे टूल्स को मैंने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। इन सारे टूल्स को आप सर्च करके देख सकते हैं कि इनका क्या काम होता है। जैसे गूगल स्लाइड्स के बारे में आपको पता ही होगा, गूगल स्लाइड्स आपको प्रेजेंटेशन बनाने में वर्क करता है, कहूट आपको ऑनलाइन क्विज बनाने में मदद करता है, मेंटीमीटर आपको मदद करता है कि अगर आप अपनी रनिंग क्लास के अंदर कुछ पोल्स क्रिएट कर सकें, गूगल कोलैब आपको मदद करता है ऑनलाइन कोडिंग करने में, नोटपैड प्लस प्लस आपको मदद करता है कोडिंग करने में, पैडलेट एंड पॉपलेट आपको मदद करते हैं माइंड मैप और टाइमलाइन बनाने में, ठीक है। सो ये सारे टूल्स का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। प्रेजी वैसे ही आपको मदद करता है वीडियो प्रेजेंटेशन बनाने में। इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अदर मटेरियल्स में मुझे क्या क्या अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड है ये लेसन समझाने के लिए। देन फिर यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट इंगेजमेंट, जो सबसे पहला ई होता है, ठीक है। जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या उनको कोई लेसन एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो उनको कैसे इंगेज कर सकते हैं, उनको इंगेज करने के लिए आप किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। फिर स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि आप स्टूडेंट को कैसे मदद कर सकते हैं उस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, कि और वो क्या सीख सकते हैं उस टॉपिक से।
फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के पार्ट को बताया गया कि आप जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो भी लेसन, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं, उससे आप किस किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को वो पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, उनको कोई डाउट्स नहीं रहे, उनको आप कॉन्सेप्ट्स कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एलैबोरेशन, ठीक है, एलैबोरेशन में आप चीज़ों को एलैबोरेट करेंगे और डिटेल में उनको बताएंगे, कनेक्शंस बताएंगे एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के अंदर, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एलैबोरेट करने के लिए और समझाने के लिए। देन इवैल्यूएशन, फिर आप उस पूरे लेसन का इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे, इससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। देन फिर है टीचर सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, कि इस चैप्टर को समझाने के बाद या इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको क्या लगता है, आपको अपने असेसमेंट को यहाँ पे शो करना है कि आपको क्या लगता है जो लेसन प्लान आपने बनाया कितना इफेक्टिव था, इसमें क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपने क्या वीकनेस थे, ठीक है, आप अपने इस लेसन प्लान को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इस तरह से आप ये पूरा लेसन प्लान बना सकते हैं। सिमिलरली मैं आपको दूसरा एक लेसन प्लान दिखा देता हूँ जो कि मैंने सोशल साइंस के लिए बनाया है, ठीक है। तो सिमिलरली ये मैंने सोशल साइंस के एक चैप्टर के ऊपर बनाया है, ब्रांड्स, एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। ये क्लास 7th का टॉपिक है और जो इसका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। सिमिलरली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही सारी चीज़ें मेंशन करी है जैसे मैंने कंप्यूटर के लेसन प्लान में करी थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर मटेरियल रिसोर्सेज में मैंने कई सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, देन स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कई सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, एलैबोरेशन, देन इवैल्यूएशन एंड देन अगेन टीचर सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सो ये सोशल साइंस का प्लान जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप ये लेसन प्लान रेडी कर लेंगे तो आप उसको वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल में अटैच करके जो गूगल फॉर्म दिया गया सीबीएसई की तरफ से, उस गूगल फॉर्म पे इसको आपको अपलोड करना है। तो वो गूगल फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये जो क्लासरूम का जो क्लास वर्क था इसके अंदर ही आपको एकदम लास्ट में आपको मिलेगा सेल्फ असेसमेंट। बीच में आपको कई सारी चीज़ें दी हुई हैं जैसे यहाँ पे सारे टूल्स के बारे में बताया गया है, फ्री टूल्स फॉर टीचर। ठीक है, नाउ ये जो सेल्फ असेसमेंट है इसके अंदर ये फॉर्म जो है वो दिया हुआ है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये व्यू असाइनमेंट के अंदर ये गूगल फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गूगल फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन करा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी डेट है वो 30 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 5 बजे तक की हो चुकी है। ठीक है, पहले ये 3 अप्रैल था, फिर 12 अप्रैल हुआ, अब ये 30 अप्रैल हो चुका है। सो यहाँ पे अब आपको अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ से आपका जो पूरा क्विज है वो स्टार्ट होता है। अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच गूगल टूल अलाउज अ टीचर टू पुट टुगेदर अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज ऑन अ गिवन टॉपिक, सो यूट्यूब प्लेलिस्ट। ठीक है, मैं ये आपको आंसर्स जो बता रहा हूँ ये पॉसिबल आंसर्स हैं, ये करेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर्स चेंज होने चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल आंसर जो हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन द रिस्पॉन्सेज ऑप्शन, गूगल फॉर्म कैन बी कलेक्टेड ऑन अ गूगल शीट फॉर एनालिसिस और पॉपुलेटेड इन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, ट्रू। Why would you want to have people fill out a Google form rather than simply sharing a Google Doc with them or collect their responses? Select all that apply. तो यहाँ पे आप select कर सकते हैं जो कि सही हो, तो इसमें आप जा सकते हैं deeper. What are some features available in Google Sites to help customize the site? ठीक है, new features आपको बताने हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं all of the above. Then the tools that help teachers गिव फीडबैक टू स्टूडेंट, जिसका यूज करके टीचर्स स्टूडेंट को फीडबैक दे सकते हैं, सो ऑल ऑफ द अबो। अ वे टू प्रोवाइड फीडबैक इन गूगल डॉक इज, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप गूगल डॉक में कैसे फीडबैक दे सकते हैं, सो बाय द कमेंट। ठीक है, देन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गूगल टूल्स हेल्प टू एनालाइज डेटा डीपर गूगल शीट पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा को एनालाइज करना है। देन एडुपजल इज अ ग्रेट टूल फॉर सबमिटिव असेसमेंट। देन द मोस्ट कन्वीनियंट टूल टू बी यूज फॉर माइंड मैप्स और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर इज पॉपलेट। देन व्हाट गूगल टूल क्रिएट्स अ डिजिटल क्वेश्चनरी टू कलेक्ट एंट्रीज फ्रॉम यूजर, गूगल फॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हैं चार्ट्स क्रिएटेड गूगल शीट कैन बी एडेड टू गूगल साइट्स, ट्रू। यू कैन यूज अ पैडलेट फॉर ऑल ऑफ द अबव। In order to create engaging Google Slides, you can use all of the above. Which one of the following can be contained as a sticky note on the Linoid? All of the above.
Which of these tools can be used as a digital curation platform? Wakelet. Wakelet can be used as a presentation tool. True. Which of the following can be done with ThinkLink? Can be used as a virtual dictionary. Which of the following tools help the teacher to see and remain connected to his or his students while presenting a video in online classes? इसमें आप जाइए Prezi. Then which of the following is used by a book creator to make digital books? All of the above. You want to take a quick dictation test of your students. Which app will you use? So Whiteboard. This is a tool which is given by a Kahoot organization. Okay. So Whiteboard 5 is used when you want to connect your students with your whiteboard. Okay. Which tool use for making an infographic? So for this you have to go Padlet. Then in SAMR model of technology integration, a situation is given. So in that you have to go redefinition. Then one of the most important aspects of technology integration is that the students are in charge of using the technology. Kahoot can be used as a similar tool by teachers, which helps him to assess his student understanding. Which of the following feature in Nearpod helps to address the misconception of students? All of the above. Which of these tools is best for gathering audience responses quickly and analyzing them immediately while presenting to the class? So it goes to Mentimeter. Which of these would be the best tool to figure out immediately in an online class if a student is engaged by getting them to write and respond to your questions? So Whiteboard. Which among the following are the question choices available in Google Form? Google Form में आपको paragraph मिल जाता है, fill in the blanks मिल जाते हैं, but fill in the blanks आपको directly नहीं मिलते हैं, matching आपको directly नहीं मिलते हैं, आपको choices में बनाने पड़ते हैं. So you will go about the paragraph. Then Google Sites can be used in classroom for which of the following activities? All of the above. Your students needs to have a Mentimeter login to give responses. False. Then Mentimeter can be used online. Face to face, both. So you have to go with both. Okay. You can use Mentimeter online and face to face both. If you are an audience and the audience is holding their mobiles, they can also give the answers to your questions. Okay. Any type of link can be added to Wakelet, including articles. Any link can be shared. How will you ensure that pedagogy is considered before technology tools? B. Depending on the learning outcome, the same tool can be used for learning or for assessment. False. Which of the Google tools can be used for developing e-portfolios? So Google Docs. A tool to curate videos and assess student progress is EduPuzzle. The free book creator login lets you create a library for your class. True. A technology platform that make it easy to augment images, videos and virtual tools with additional information and link is ThinkLink. The teacher creates quizzes and polls on Mentimeter and the students access these via menti.com. The best tool to introduce students to graphic design discuss today is Canva. Okay. So after this, you have to upload your lesson plan here and then you have to submit this quiz. Okay. Once you submit your quiz, you can't able to edit it or change it. So जब आपको लगे कि आप एकदम श्योर हैं कि आप ये को इसको सबमिट कर सकते हैं तभी इसको सबमिट करिएगा, ठीक है. और एक बार सबमिट करने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं. सो बी केयरफुल बिफोर सबमिटिंग इट, ठीक है. तो आपको सही लेसन प्लान सबमिट करना है. फाइनली फॉर द सर्टिफिकेशन प्लीज अपलोड द लेसन प्लान मेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन द गूगल क्लासरूम, ठीक है. सो आप इसको डॉक, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ किसी भी फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों. सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आप इस ट्रेनिंग को प्रॉपरली अटेंड कर पाए हैं, सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर पाए हैं, ठीक है, और इसको फिल करने के बाद, क्योंकि 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो एटलीस्ट एक वीक बाद या 2 वीक बाद आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा. सो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो मेरा वीडियो है उसके लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. सो आपको कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो आपको पता पड़ जाएगा. अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के स्टेप पे जाते हैं और अगर आपको वो बताता है, कुछ एरर बताता है, आपको सर्टिफिकेट ओपन नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है. हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाए. तो आपको हर 1-2 दिन में आपको चेक करते रहना है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों. सो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, एक
नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ।